खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने चेकिंग के दौरान 156 किलो गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात बजरंग बली चौरसिया ने बताया कि थाना खुर्जा देहात प्रभारी जयकरण सिंह पुलिस टीम के साथ संदिग्धों की तलाश में चेकिंग कर रहे थे, तभी तलाशी लेने पर पुलिस को पिकअप वाहन से 156 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वही पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बोलेरो गाड़ी को खुर्जा से किराए पर लेकर अलीगढ़ आलू ले गए। अलीगढ़ से ही गांजा खरीदकर आलू के बोरों के नीचे छिपाकर जनपद गौतम बुद्ध नगर में बेचने जा रहे थे। थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेजा गया। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ उदय यादव की रिपोर्ट। पवन, ये गांजा कहां से लेकर आए थे? खुर्जा हाईवे से। कितना माल है ये? लगभग 1.5 क्विंटल। तो आप खाली और भी कोई शामिल है इनमें? नहीं जी, वैसे एक लड़का है जी। अच्छा, अब से पहले कितनी बार लाए थे ऐसे माल? पहली बार लाया जी। चेकिंग अभियान के दौरान एक पिकअप बोलेरो गाड़ी रोकी गई, जिसमें से और सामानों के बीच में गुप्त रूप से रखा हुआ 156 किलो गांजा बरामद। दो अभियुक्त जिनका नाम पवन नायक अलीगढ़ और अजय थापा नोएडा के रहने वाले हैं, इनके पास से एक मोबाइल भी मिला है। अभी को गिरफ्तार करके माल बरामद करते हुए NDPS की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्यवाही थाना खुर्जा पुलिस द्वारा की जा रही है।